तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो बहुत ही रोमांचक और आश्चर्यजनक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सवाल का जवाब बताने वाला हूँ जिसे आप शायद ही कभी जानते होंगे। तो दोस्तों, सवाल यह है कि ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जिनके शव को रात में निकाला जाता है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब शायद ही कोई दे पाए, बहुत ही कम लोग ही जानते होंगे इस सवाल का जवाब। तो दोस्तों, अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इस सवाल का जवाब। तो दोस्तों, किन्नरों की शव यात्रा को ही रात में निकाला जाता है, क्योंकि इनका ये मानना होता है कि अगर किसी ने उसका शव देख लिया तो उसे अगले जन्म में फिर से किन्नर का जन्म लेना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी कारण से ही किन्नरों की शव यात्रा को रात में निकाला जाता है। तो दोस्तों, यह जवाब आपको शायद ही पता होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, ताकि मैं आपको ऐसे ही रोमांचक और आश्चर्यजनक जानकारी देता रहूं। तो दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि भारत का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है? अगर नहीं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है, और यह स्कूल कहां स्थित है, और इस स्कूल का क्या नाम है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा स्कूल लखनऊ में स्थित है, और इस स्कूल का नाम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है। यह स्कूल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है। छात्रों की संख्या के आधार पर यह स्कूल साल 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कर चुका है। इस स्कूल में लगभग 40,000 छात्र हैं और करीब 2,500 शिक्षक हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और रोमांचक वीडियो चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूं तो वह सीधा ही आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ IAS में पूछे गए एक ऐसे सवाल के बारे में जिसका जवाब बहुत सारी महिलाओं ने गलत दिया था। तो दोस्तों, चलिए सवाल की ओर। तो दोस्तों, सवाल यह था, तुम्हारी दोनों टांगों के बीच में क्या है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने में 99% लोग असफल रहे थे। इस प्रश्न को सुनते ही आपके मन में उल्टे पुल्टे सवाल आने लगते हैं, यानी कि आपका मन जो है उल्टे सुलटे जवाब सोचने लगता है, और आप सभी के मन में सिर्फ एक ही जवाब आता है कि हमारा मेन पार्ट। लेकिन यह इसका सही जवाब नहीं है दोस्तों। इसका सही जवाब है कि हमारी दोनों टांगों के बीच में है हमारा घुटना, जिसका जवाब 100 में से केवल 1% लोगों ने ही सही जवाब दिया था। तो दोस्तों, यह था IAS में पूछे गए कुछ आश्चर्यजनक जवाब।
यानी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आप इस प्रकार की और अच्छी वीडियो जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।